तो ये लो शोरूम पहुंच गए भाई, ब्लू स्क्वायर अंदर कर दो। तो गाइस आपका स्वागत है यामाहा के शोरूम में। आप देख सकते हैं एक से एक कलेक्शन यहाँ पे है, पर हम लोग को तो लेनी है ये V4 लेनी है ब्लैक में, पर फुल ब्लैक नहीं है, देख सकते हैं गाइस। अरे शोरूम है आपका स्क्वायर, ब्लू स्क्वायर ऑटो विंग्स। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं, ये रहा इंटीरियर। ये वाला पसंद है, बहुत तगड़ा दिख रहा है, रेड कलर में देखा था पूरा भी मेरा मतलब ब्लैक में। अरे ये 232 687 यानी राउंडर 233 पड़ेगा। ये भी ठीक ही लग रहा है। नहीं एक तो रेड एक तो ब्लैक सिल्वर नहीं अच्छा ले आपको इसी में मिलेगा, बाकी कोई भी कलर लेंगे तो वो ही डिस्प्ले। तो गाइस अभी गाड़ी पसंद कर रहे हैं, कौन सा कलर डिसाइड नहीं होने सक रहा, कौन सा कलर का ले। ये आपका रेड है, बैटरी कनेक्शन करो दिखाने के लिए, V4 है, आरोन चार। अबे सिल्वर में वो चीज़ नहीं देखना, इसको डिस्प्ले देखना। तो अभी गाइज यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कौन सा कलर लिया जाए, कलर ही चूज नहीं होने सक रहा है, क्योंकि फुली ब्लैक चाहिए था, फुली ब्लैक मिल नहीं रहा है, अभी सभी में चेंज हो चुका है। अब ब्लू कलर दिखा, ब्लू कलर में तो वो आपका V3 में है। अरे ये हमको पसंद नहीं आया, 224 शिफ्ट लग जाता है इसलिए वो के साथ रेड मेटल ही क्वाइट आता है, वो भी आता है मतलब वो तो अभी अवेलेबल नहीं है, 224 का गाड़ी हो ये चेंज में, ये गाड़ी चेंज हुआ इसमें, क्योंकि ये 2023 में अपडेट जो है ये गोल्डन चक्का के साथ, गोल्डन चक्का के साथ सिर्फ 23 अपडेट ये है ब्लैक का। इसका कितना रेट पड़ेगा बोले? 221 ऑन रोड में 221 और वो 220 और ब्लू 224 ज़्यादा दिल गढ़ रहा है इसी में गाइस, देखो बाद में इसी में शूट होगा ब्लॉगिंग। अच्छा इसमें ऐसा कुछ नहीं ना है, ऐसा कोई सेट नहीं ना कि गाड़ी को चोरा के ले जाए तो गाड़ी मिले, ऐसा कुछ GPS वो आपके आप मार्केट लगा सकते, यहाँ लगा के नहीं दीजिएगा लगता, वो तो पैकेज होता है। कैसा लग रहा है अरमान भाई? अच्छा लग रहा है ना। एक ये एक और है ये रेड वाइट टॉप मॉडल रहेगा तो सर तो कुछ तो चेंज करेगा ही कंपनी, अगर बात करेंगे प्राइस से तो 13-14 हज़ार चाहिए हमारा, अगर नॉर्मल बेस से बात करके कहाँ लाइटिंग इसका कहाँ है, किस टाइप से चेंज? इधर देखो नहीं बढ़िया लग रहा है सर इसलिए गाड़ी का ये हंसे खोजे ले कर तो एक जानकारी आप लोग को देना चाहेंगे कि फाइनेंस करने पे बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फाइनेंस कीजिएगा तो आप डाउन पेमेंट पे डिपेंड करता है, डाउन पेमेंट आप कितना डालते हैं 1.5 लाख 1 लाख उसके आधार पर आपका एमआई बनेगा, एमआई बनेगा तो गाड़ी का जितना रेट है
जितना दाम पड़ रहा है उससे ज़्यादा आपको 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट का फलूदा हो जाएगा। इसीलिए जब भी ले भाई आप कैश लो, कैश लेने से ही फ़ायदा है। कैश लोगे तो कोई झंझट नहीं, तुरंत सारा मिल जाएगा। मेरे ख्याल से फाइनेंस करने पर एक चाबी भी रख लिया जाता है ना, और एनओसी ओनोसी पेपर निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना ना भैया। तो आप लोगों को जानकारी देनी चाहेंगे, जो भी लो यार कैश लो यार, फाइनेंस के चक्कर में मत रहो। एक एक रुपया जमा करके लो मगर कैश लो। तो हम लोग को तो पसंद आया, 20,000 एक्स्ट्रा जाएगा, मतलब दो साल में 20,000 एक्स्ट्रा। हाँ। गाड़ी का जो रेट है छोड़ के उसके अलावा महीना कितना बंधा जाएगा? 42,198 रुपया। मतलब इसमें अभी जैसे लॉग इन होगा ना, हाँ, तो तब पता चलता है सिस्टम क्या ले रहा है, तो ऑफर में भी कुछ दे देगा। अच्छा, कैश में लेने में क्या कम पड़ता है कि नहीं? गाड़ी क्या, देखिए कैश लीजिए फाइनेंस लीजिए, पैसा तो उतना ही आना और थोड़ी ही आना। अच्छा, कम नहीं होता है ना? उन्हें वो कलर चेंज कर सकता है तो आप अपने से वो ब्लैक करवा लीजिएगा, ब्लैक खोल के उसमें जैसे ये वाला ओपन करवा के जैसे जहाँ कलर मारता है ना या मॉडिफिकेशन करता है वहाँ कलर करवा लीजिए, वो स्प्रे से कर देगा पूरा ब्लैक। अच्छा, आपके पास वो ये दिन में हम चेंज देखो ना, इधर थोड़ा सा हो गया देखो। ब्लू स्क्वायर जैकेट, ये आपका स्पोर्ट्स किट है बाइक के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं तो गाइज आज वो गाड़ी जाने वाली है।